वेलकम बैक। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळेकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसनमुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। ये हमारे दो हॉस्पिटल है जहाँ हम पेशेंट को रिश्तेदारों के साथ में, और दूसरा हॉस्पिटल है जहाँ रिश्तेदारों के अलावा भर्ती करके उनका इलाज करते हैं। हमारा मिशन जो है वह सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, और इसके लिए हम काम करते हैं। हमारा हॉस्पिटल पूना में है, नागपुर में है, ठाणे में क्लिनिक है, और अलग अलग जगह पर लोग जाके एडमिट होते हैं, पुनर्वसन उनका होता है और ट्रीटमेंट लेते रहते हैं। आज मैं बातचीत करने वाला जो हमारे पास में बच्चे माँ बाप लाते हैं वो उसके लिए कि इनको फीडिंग डिसऑर्डर है। फीडिंग डिसऑर्डर इसका मतलब ये है कि खाने में इनका प्रॉब्लम है, बच्चे खाते नहीं खाते, और बार बार लगातार उनका ये कम खाना होते रहता है। एक महीने तक समझो ये ऐसे ही रहा, बच्चा खाना नहीं खा रहा है, एकदम थोड़ा खाना खाता है, उसको जो भी अच्छा लगता है वो भी जाता, भी खाना नहीं खाता, दूध नहीं पीता, तो ये समझना कि इसको फीडिंग डिसऑर्डर है। एक महीने से यदि ज्यादा ये लक्षण दिखाई दिया तो ही फीडिंग डिसऑर्डर है, अन्यथा नहीं। इनका वजन कम हो जाता है या वजन बढ़ता नहीं। ये बच्चों में पाचन संस्था की कोई भी बीमारी नहीं होना चाहिए। पाचन संस्था की बीमारी है तो फिर वो बीमारी होगी, फीडिंग डिसऑर्डर नहीं। तो पाचन संस्था की कोई बीमारी नहीं होना चाहिए। सब टेस्ट करके, जांच करके कंफर्म करना जरूरी होता है कि पाचन संस्था की उनको कोई भी बीमारी नहीं है। और ये बच्चों में दूसरी कोई भी मानसिक बीमारी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मानसिक बीमारी यदि होगी तो फिर उसकी वजह से खाना नहीं खाता होगा। तो कोई मानसिक बीमारी नहीं होना चाहिए, पाचन संस्था की बीमारी नहीं होना चाहिए, और तभी भी खाना नहीं खा रहा है, और जिसके वजह से बच्चे का वजन जो है वो कम होते जा रहा है या बढ़ता नहीं है, तो ये फीडिंग डिसऑर्डर कैटेगरी में आता है। ये बच्चों की उम्र 6 साल से कम होना चाहिए, शुरुआत इसकी जो बीमारी है 6 साल से कम होना जरूरी है, तो इसको फीडिंग डिसऑर्डर बोलते हैं। बच्चों का इलाज है जैसा इनका ऑपरेंट कंडीशनिंग से इसका इलाज होता है, माँ बाप की काउंसलिंग से इलाज होता है, फिर कुछ ऐसी चीज़ें जिससे भूख बढ़ जाएंगी, ऐसे हम कोई दवाई हम उसको देते हैं कि जिससे भूख बढ़ जाती है, एक साइप्रोहेप्टेडिन टाइप मेडिकेशन है, या फिर पेंटेप्रोजॉल और डॉमपेरिडॉन कॉम्बिनेशन जैसी कोई दवाई रहती है कि वो देते हैं जिससे भूख बढ़ेंगी, और इनमें इसका सोर्स क्या है वो देखना पड़ता है। व्हाट इज द सोर्स, कि भाई क्यों खाना नहीं खा रहा बच्चा है? तो सोर्स माँ बाप का प्रेशर है, माँ बाप का स्ट्रेस टेंशन है, या घर में कोई नए बच्चे का जन्म हुआ है, लोगों का ख्याल उधर चलेगा इसलिए इसको प्रॉब्लम हो जाता है। क्योंकि बच्चों को क्या होता है कि सेकंड बच्चा जब हो जाता है पूरे लोगों का ख्याल उसकी तरफ चले जाता है, इसका निगलिजेंस होता है, फिर ये कुछ तो भी अटेंशन सीकिंग बिहेवियर कर सकता, तो फिर उसमें उसको फीडिंग प्रॉब्लम आ सकता है, तो ये देखना पड़ेगा। और एक्चुअली सोर्स पे हम जाते हैं तो इसका इलाज करना बहुत आसान हो जाता है। तो ये फीडिंग डिसऑर्डर, माँ बाप बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि बच्चा दूध भी पीता नहीं है और खाना भी खाता नहीं है, वजन नहीं बढ़ रहा है या वजन कम हो रहा है, तो उनको चिंता हो जाती है, सब तपास कर लो और पाचन संस्था की कोई बीमारी नहीं है, मानसिक कोई बीमारी नहीं है, और तभी भी प्रॉब्लम खाने का है ही, क्योंकि ग्रोथ जो है हाइट वो बढ़ती नहीं है, वजन नहीं बढ़ता है, और फिर माँ बाप परेशान रहते हैं। तो इसमें सोर्स पे पता कम कर लेते हैं और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं तो ये बीमारी अच्छी हो सकती है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।